एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स क्लास लेनियस एक्सरसाइज का लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, कमेंट सेक्शन चेक करिए बच्चों। कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट होगा, जो सबसे ऊपर आ रहा होगा, वहां पर रीड मोड पर क्लिक करोगे ना, तो आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहां पर मिल जाएगा। क्लास 12th का पूरा सिलेबस है, मतलब चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स का भी लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे ना, कोई भी चैप्टर पर क्लिक करिए आप, पिन कमेंट चेक करिए तो पूरा प्लेलिस्ट खोल के आएगा और थंबनेल पे आपको वहाँ पे लिखा रहेगा कि कौन सी एक्सरसाइज है या कौन सा टॉपिक है। जो जो कुछ भी आपको पढ़ना है आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और बच्चों, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि बहुत ही महान चैप्टर है, आपको पता है। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जैसे महान चैप्टर्स को भी बहुत ही ईजिली और बहुत टाइम देके मैंने समझाने की कोशिश करी है। जैसा कि आपको पता है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में फॉर्मूले आपके बहुत सारे हैं, तो उसे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप एक बार यहाँ से पढ़ के देखिए, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ट्रिक्स मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं। चलिए अब देखिए, जरा लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय, ओके लेट मी चेक इट कि x इज इक्वल टू -1 नहीं है बच्चों, x इज इक्वल टू -2 है यहाँ। ओके, तो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1 गिवन है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर नहीं है, x क्यूब है। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय। अब ध्यान दें जरा यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, पता है क्लास 10th में ही पढ़ा दिया जाता है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व कैसा होगा। क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शंस में, क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी हमने आपको इसको पढ़ा है, रिलेशन फंक्शंस में भी। पर फिर भी सुन लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व मैं आपको बता दूं, देखो कैसे आता है ये, इसकी प्रैक्टिस आप कर लो। ठीक है, कैसे आता है देखो, इसका फेस, एक फेस तो ऊपर होगा और एक फेस नीचे, और ये ओरिजिन से ऐसे पास होगा। ठीक है, इस पर हमने चर्चा करी थी कहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। ओके, तो ये कर्व कुछ ऐसा आपका आएगा। ठीक है, एक फेस ऊपर एक फेस नीचे, ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आपका होता है, करेक्ट। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसको प्लॉट करना हो तो आप प्लॉट भी कर सकते हो। आप x की वैल्यू ले लीजिएगा, y निकालिए, ऐसे करके 8-10 पॉइंट निकालिए, ग्राफ पेपर उठाइए, प्लॉट करके देखिए, ऐसा ही आएगा। ठीक है ना, फिर भी तो इतना क्लास 12th में हमें नॉलेज है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कर्व बना लिया है, ठीक है, लगभग ऐसा आएगा। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब क्या आपके पास द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -2, तो ध्यान दें अगर x इज इक्वल टू 1 हम यहाँ कहीं ले रहे हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू -1 यहाँ है तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 यहाँ है तो x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन तो यहाँ से पास करेगी, बिकॉज x इज इक्वल टू 1 आपको पता है कि y एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, और x इज इक्वल टू -2 कितना होगा, देखो अगर ये 1 है तो इतना यहाँ कहीं 2 होगा, तो अगर ये -1 है तो -2 यहाँ कहीं बैठेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 वाली लाइन आपकी ऐसे करके कहीं पे पास होगी, तो x इज इक्वल टू -2, करेक्ट। अब देखो ये वाले पॉइंट का नाम अगर हम पॉइंट ए रखें तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 1, 0, क्योंकि पॉइंट ए x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन पे आ रहा है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0, ये आपका ओरिजिन ओ है। ठीक है, और ये जो लाइन आपको दिखाई पड़े x इज इक्वल टू -2, तो इस पॉइंट का नाम अगर हम बी रखें तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे आपके -2, 0, क्योंकि x एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट होगा बट y कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, 0 होगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये पॉइंट O है, ये A है, इसका नाम आपने M रख दिया सपोज, और इस पॉइंट का नाम आपने N रख दिया। अब आप ध्यान से चेक करो आपको कौन सा रीजन निकालना है, बाउंडेड बाय दिस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2 एंड बाय द x एक्सिस। ठीक है, तो बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये x एक्सिस है, देखो ये x एक्सिस वाला पोर्शन है, ये x एक्सिस है, ये कितना पोर्शन है, ये आपका x इज इक्वल टू 1 है और ये पोर्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला। तो पहले तो ये वाला रीजन निकाल लो, और उसके बाद यहाँ पे देखो जरा, ये वाला जो रीजन है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपका x इज इक्वल टू -2 और ये जो है आपका कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो बस एरिया ऑफ ओ बी एन निकालो, एरिया ऑफ ओ ए एम निकालो, ऐड कर दो। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रीजन ओ ए एम निकालते हैं, ठीक है ना, ओ ए एम, इसके लिए एक वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है आपको,
वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप पॉइंट पी और बॉटम पॉइंट क्यू, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है, लेंथ हो जाएगी वाई और विड्थ हो जाएगी इसकी डीएक्स, तो वाई डीएक्स रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया है, हमको रीजन ओ ए एम का एरिया चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को, कहाँ से कहाँ, ओ से एम के बीच में। ओ का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो, और एम का भी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एम का कुछ भी हो बट एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, वन। वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, ना हमें पता करने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि हमें किससे मतलब है, हमें ओ के एक्स कोऑर्डिनेट और एम के एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब है। एम का एक्स कोऑर्डिनेट वन होगा, क्यों, क्योंकि एम कहाँ एक्स इज इक्वल्स टू वन वाली लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग जीरो टू वन, करेक्ट। अब वाई ध्यान से चेक करिए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है तो वाई लाई कर रहा है वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब पे, मतलब ये जो है वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब पे, ठीक है। तो वाई की जगह हमें क्या रखना है यहाँ पर, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हमने रखा वाई की जगह एक्स क्यूब, तो इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट जीरो टू वन। ओके, करते हैं इंटीग्रेट। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर, और यहाँ पर लो लिमिट जीरो, अपर लिमिट वन, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वन रखो, वन की पावर फोर क्या होता है वन अपॉन फोर, और माइनस एक्स की जीरो रखो, जीरो की पावर फोर, जीरो जीरो पॉइंट फोर जीरो, तो वन अपॉन फोर माइनस जीरो वन अपॉन फोर। तो इस रीजन का एरिया आ गया वन अपॉन फोर। अब हम निकालते हैं रीजन ओ एन बी का एरिया, ठीक है। तो रीजन ओ एन बी का आप एरिया तो निकालिएगा, लेकिन आप इस एरिया को मॉड में रखेंगे। हमने आपको बताया था क्या, कि जब एरिया हमारा एक्स एक्सिस के नीचे आता है तो वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। तो उसका मॉड ले लेंगे तो एरिया हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है, और इस वर्टिकल स्ट्रिप का ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने आर बोला, और ये वाला पॉइंट है एस। अब इस वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वाई, ओके, और इसकी विड्थ हो जाएगी आपकी डी एक्स। और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जब ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट चलेगी तो आर लगातार कहाँ चलेगा, ध्यान से चेक करिए, पॉइंट एन और ओ के बीच में इस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाले कर्व पे। तो एन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एन का एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस टू, और वाई कोऑर्डिनेट चाहे जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो ध्यान से करो, एन का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टू होगा, क्यों, क्योंकि एन पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू वाली लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रिप के एरिया को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे माइनस टू से लेके जीरो तक, बिकॉज आर देखिए एन से लेके कहाँ तक मूव करेगा, ओ तक। तो माइनस टू से जीरो तक इंटीग्रेट कर दो, और वाई कहाँ लाई कर रहा है, तो पॉइंट आर के अगर आप कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई अज्यूम करेंगे तो वाई लाई कर रहा है इस वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाली कर्व पे, तो वाई की जगह आपको क्या रखना है, एक्स क्यूब, ठीक है। और माइनस टू से जीरो पे इसको इंटीग्रेट कर देना आपको, ऑपरेटर यहाँ डी एक्स है, देखते हैं क्या होता है। तो मॉड ऑफ, अब ध्यान दें, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर, करेक्ट, और मॉड में लेना है, ध्यान रखिएगा, और लिमिट लगेगी आपकी माइनस टू टू जीरो, ये जो कुछ भी आएगा उसका मॉड लेना है, बिकॉज आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। तो ध्यान से चेक करिए, ओके, यहाँ हमारा आंसर नेगेटिव भी नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, पर फिर भी जब एक्स एक्सिस के नीचे एरिया होता है तो उसको हम किस में लेते हैं हमेशा, उसको हम हमेशा किस में लेते हैं, हाँ नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा, चेक करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की पावर फोर है तो जीरो की पावर फोर अपॉन फोर जीरो हो जाएगा, और माइनस एक्स की क्या रखेंगे माइनस टू, तो माइनस टू की पावर फोर, माइनस टू की पावर फोर अपॉन फोर, ठीक है। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो गया, और इसका मॉड लेना है आपको, क्योंकि जीरो माइनस फिर ये प्लस में आएगा तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, ध्यान से चेक करो, मॉड ऑफ जीरो माइनस, अब ये वाला माइनस ध्यान से चेक करो, माइनस टू की पावर फोर कितना होता है, प्लस में आएगा क्योंकि पावर कैसी इवन है, तो माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, टू डे फोर डे एट सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन फोर, तो 16 अपॉन 4 तो ये आ गया पॉजिटिव, लेकिन ये वाला जो माइनस है चेक करो ना, माइनस टू की पावर 4 है पॉजिटिव ही, 16 तो आएगा लेकिन आगे जो माइनस लगा इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, ठीक। अब 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, तो अंदर मॉड के माइनस 4 आ गया, मॉड ऑफ माइनस 4 आ गया, और माइनस 4 का मॉड क्या होता है 4 यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, माइनस 4 का मॉड क्या होता है 4 होता है, ठीक। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका फर्स्ट रीजन था 1 अपॉन 4 आया था उसका एरिया, और जो सेकंड रीजन है उसका एरिया है 4, तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 4 टोटल एरिया 4, 4 जा 16 प्लस 1 17 बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स, क्या ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, अब ये वाला कर्व देखिए आप ध्यान से चेक करिए, कर्व है आपके पास क्या, वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ओपन करना आपको आना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको किसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। मॉड ऑफ एक्स देखिए ध्यान से, जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तो मॉड ऑफ एक्स आपका एक्स आता है, और जब एक्स इज लेस देन यानी कि एक्स का वैल्यू जब नेगेटिव होता है
तो मॉड ऑफ एक्स क्या आता है आपका, माइनस एक्स आता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ध्यान से चेक करिए, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, जीरो, जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो या जीरो हो। तो ध्यान से चेक करो, ये जो बाहर मॉड के बाहर जो एक्स लिखा है तो ऐसा ही रहेगा, उसको छोड़ो आप, मॉड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स का जो डेफिनेशन है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक, लेकिन ध्यान दें, जब x इज लेस देन जीरो यानी कि x जब नेगेटिव है तो देखो बाहर जो x है तो ऐसे ही रहेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे x नेगेटिव है तो इसको माइनस एक्स लो, क्यों भाई, x का वैल्यू होगा ना कुछ नेगेटिव, उससे मैं नहीं बता, हम तो मॉड को चेक कर रहे हैं बस। तो जब x इज लेस देन जीरो होता है तो मॉड ऑफ x की जगह क्या आता है, माइनस x, तो मॉड ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस x, यानी कि x इंटू माइनस x। अब ध्यान से चेक करो, x इंटू माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जब लेस देन जीरो हो तो y कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू जब इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो हो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसका अगर कर्व आप बनाओगे, देखते हैं जरा कर्व इसका कैसा आता है। एक बार फ्रेश डेफिनेशन लिख दूं मैं, यहाँ फ्रेश डेफिनेशन देखिए, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉड ऑफ x जो है, ठीक, वो आता है आपका एक्स स्क्वायर। ऐसा कब होता है, कंडीशन क्या, ऐसा कब होता है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ठीक, एंड y के दो डेफिनेशन बन गए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो y इज इक्वल्स टू x इंटू मॉड ऑफ x क्या आता है, माइनस एक्स स्क्वायर आता है, कब, जब आपका x इज लेस देन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, मेन इसमें है कर्व ड्रॉ करना, जब कर्व ड्रॉ हो जाएगा तो बात आपकी यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी। इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। ओके, चलो देखो जरा ध्यान से, अगर आप इसको देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखो, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो पोर्शन है वो कैसा आएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, चेक करो ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, ये जो फॉर्म दिख रहा है ये कैसा फॉर्म है, ये फॉर्म है आपका पैराबोला टाइप का। ठीक है, y इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हो गए, नाउ अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू जीरो और x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई और दो चार पॉइंट लेते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ आता है, थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाएगा तो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, ध्यान चेक करिए, x की वैल्यू क्या ले सकते हो, जीरो। तो x हमने यहाँ क्या रखा, x रख रहे हैं और यहाँ हम नीचे y रख रहे हैं, तो x की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू जीरो को, जीरो का स्क्वायर जीरो, y कितना हो जाएगा, जीरो। अब x इज ग्रेटर देन भी जीरो, यानी कि x का वैल्यू आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, तो x का वैल्यू अगर हम लोग वन लेंगे तो y इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, वन, क्योंकि वन का स्क्वायर वन। फिर x का वैल्यू टू लो तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर। ठीक है, फिर x का वैल्यू आप थ्री ले सकते हो तो थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, नाइन हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन चल रहा है, x का वैल्यू अगर आप फोर लोगे तो आपके पास हो जाएगा फोर का स्क्वायर, यानी कि सिक्सटीन, कुछ ऐसा आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा सोचें यहाँ पर, तो यहाँ मान लीजिए वन आ रहा है, यहाँ टू आ रहा है, यहाँ थ्री आ रहा है, यहाँ फोर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, करेक्ट। अब देखो जीरो पे जीरो आ रहा है, ठीक, जीरो पे जीरो, वन पे वन, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वन पे वन, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। फिर टू पे फोर आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू टू पे फोर आ रहा है, यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक, और थ्री पे नाइन आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू थ्री पे नाइन, नाइन कहाँ मिलेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन यहाँ मिलेगा। तो x इज इक्वल्स टू थ्री पे आपको नाइन मिल रहा है यहाँ। ठीक है, तो कुछ आपको उम्मीद लग रही हुई, आप सोच रहे हो स्ट्रेट लाइन तो देखो नहीं जाएगी, इतना तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन तो नहीं जाएगी, क्योंकि y इज इक्वल्स टू x थोड़ी ना जो स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा घूम के आएगा कर्व, तो समवट लाइक दिस आएगा आपका कर्व, ये ना आपका कुछ इस तरीके से लगभग ग्राफ आएगा, थोड़ा कर्व होगा, ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये ऐसा होगा, ये मैंने अंदाजे से बनाया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, y इक्वल्स टू x होता तब स्ट्रेट लाइन आती, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई किसके लिए, x इक्वल्स टू जीरो के लिए और x ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब हम बना रहे हैं किसके लिए, अब हम चलिए टेबल बना लेते हैं किसके लिए,
x इज लेस देन जीरो के लिए, ठीक है ना, यहीं पे बना ले। तो ध्यान से चेक करो कि x की वैल्यू लेस देन अगर जीरो लोगे, यानी कि x की सभी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि जीरो नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। x की वैल्यू आप नेगेटिव लीजिए, यानी कि माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये सब लोगे, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए कि x की वैल्यू अगर आपने माइनस वन ली, अब ध्यान दो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि y पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं नहीं भाई, x इज लेस देन जीरो के लिए ये वाला डेफिनेशन चलेगा ना, तो x की जगह माइनस वन रखो, माइनस वन का स्क्वायर तो वन होगा और आगे माइनस लगा, यानी कि माइनस वन ही आ जाएगा, ठीक। अब x की वैल्यू माइनस टू लो, ध्यान चेक करो, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर x इज इक्वल टू माइनस टू मैं चूज करूँ तो y इज इक्वल टू फोर नहीं आएगा, माइनस फोर आएगा, कैसे, ये वाला माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा और x का स्क्वायर है, यानी कि माइनस टू का स्क्वायर है, तो ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर होता है, यानी कि माइनस फोर आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस टू पे आपके पास माइनस फोर आएगा, फिर x इज इक्वल टू माइनस थ्री रखोगे तो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और आगे माइनस लगा, यानी कि माइनस नाइन आएगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस फोर पे माइनस सिक्सटीन आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो कुछ आपकी स्थिति ऐसी होगी, देखिए वन टू और थ्री फोर, ठीक है, फिर यहाँ माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस नाइन, माइनस एट, माइनस नाइन, माइनस टेन, माइनस ट्वेल्व, माइनस थर्टीन, माइनस फोर्टीन, माइनस फिफ्टीन, माइनस सिक्सटीन, ऐसा कुछ। अब ध्यान चेक करो माइनस वन पे वन, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे माइनस वन, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, माइनस टू पे माइनस फोर, तो माइनस टू पे ये माइनस फोर यहाँ कहीं आएगा, ठीक, और माइनस थ्री पे माइनस नाइन, तो माइनस थ्री पे ये माइनस नाइन आपका यहाँ कहीं ऐसे करके आएगा, माइनस थ्री पे माइनस नाइन यहाँ कहीं है, मतलब आप ध्यान चेक करो ऐसा ही कर्व बनेगा, बट ऐसे बनेगा, ठीक है, थोड़ा अंदाजा आपको मिल होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं, तो ये कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा लगभग ऐसा, ठीक है ना। तो ये कर्व आपको लगभग बन गया, अब क्या करेंगे, ठीक है, अब ये मेजरमेंट सब हटा देते हैं, ये तो हमने आपको दिखाने के लिए बताया था, तो इस तरीके से ग्राफ आप इसका बना सकते हैं, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस कर्व ही है, ध्यान से चेक करो, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, मतलब आप जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो मार्कर आपको उठाना नहीं पड़ेगा, ये ऐसे, ठीक। हाँ, फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो गई थी, तो हमने दो बार टेबल बना के इसको ड्रॉ कर लिया, अब तो कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से चेक करो x इज इक्वल टू माइनस वन, तो x इज इक्वल टू माइनस वन कहाँ आ रहा होगा, लेफ्ट में, देखो आ तो यहीं पर आए इस मेजरमेंट के हिसाब से यहीं पे, बट वो फिर रीजन बहुत छोटा हो जाएगा, अगर x इज इक्वल टू माइनस वन पे मैं लाइन अगर ऐसे ले जाऊँ सोचो तो तुमको दिखेगा ही नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलो एक बार बना देता हूँ, मान लो ये माइनस वन है और ये क्या है वन, ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस वन वाली लाइन ऐसे जाएगी और x इज इक्वल टू वन वाली लाइन ऐसे करके जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इतने पोर्शन का मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊँ तो तुमको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ध्यान से चेक करना, चलो जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो ये एक लाइन ऐसे जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू माइनस वन और ये वाली जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू वन, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, ये y है, ये कर्व है आपका y इज इक्वल्स टू क्या, x इंटू मोड ऑफ x, ये कर्व है, ठीक है, और ये वाला जो कर्व है y इज इक्वल्स टू x इंटू मोड ऑफ x और ये जो लाइन x इज इक्वल्स टू माइनस वन, ओके, इसका ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको अगर हम a बोले तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोऑर्डिनेट वो कितना होगा माइनस वन, और वाई कोऑर्डिनेट से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि ये ए पॉइंट लाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे लाई कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा माइनस वन, और यहाँ पे हमने इसका नाम रखा बी और ये ओरिजिन ओ। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है सपोज इसका नाम एम रखा, एम इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एक्स इज इक्वल टू वन एंड कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स, ओके। तो एम का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो वन होगा, वाई से मुझे मतलब नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो क्योंकि एम कहाँ आ रहा है लाइन एक्स इज इक्वल टू वन पे, ये लाइन एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक। अब तो आप समझ गए होगे कि हमें एरिया बाउंडेड बाय क्या, ध्यान से चेक करो y इज इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ x, तो x इंटू मॉड ऑफ x वाला पोर्शन ये रहा, ठीक, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू माइनस वन ये रहा, x इज इक्वल टू माइनस वन वाला पोर्शन, x इज इक्वल टू वन वाला पोर्शन ये रहा, एंड द x एक्सिस, तो ये रही आपकी x एक्सिस। तो ये रीजन आपको निकालना है, m o ए बी ओ, ये पूरा निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, सॉरी इसका नाम भी कुछ रख दो एम, एम एन ओ ए बी ओ, ये रीजन निकालने के लिए एम एन ओ निकालो और फिर ओ ए बी निकालो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना। तो निकालते हैं, वैसे तो आई थिंक दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ऑब्वियसली दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो आप एक ही एरिया निकाल के उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, बात आपकी बन जाएगी, बिकॉज ये एक्स इज इक्वल टू वन वाली लाइन है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वाली लाइन है ना, टेंशन कुछ भी नहीं है। तो हमने यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप बनाई, टॉप पॉइंट पी, बॉटम पॉइंट क्यू, और ध्यान से, अच्छा हाँ एक चीज़ हो गई, सुन लो, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस तो है, नोट मतलब
सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस कैसे हम बोल रहे हैं, ये तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये देखिए इसको पलट के रखोगे यहाँ कहीं आएगा, लेकिन आप ध्यान से चेक करो तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, इतना मैथ्स तो सबको आता होगा। कैसे चेक करो ना, ये कर्व है और एक्स इज इक्वल टू लाइन वन है, ये वही कर्व है और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है, तो जो ये होगा वही ये होगा। फिर भी अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, दोनों का एरिया सेम ही आएगा। मैं आपको दोनों निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ओ एम एन का, ओ एम एन का एरिया निकालिए तो क्या आ जाएगा, इंट्रीगल ऑफ वाई डी एक्स, और लिमिट है ध्यान से करो पी क्यू स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट जाएगी, तो ऑरिजिन ओ का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है जीरो, वाई भी जीरो, तो ऑरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है जीरो, जीरो से लेके एम का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा वन, तो जीरो टू वन आप इंटीग्रेट करोगे, वाई की जगह क्या रखोगे। अब ध्यान दे जरा, देखो बच्चों जो पॉइंट पी उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई होंगे, वाई कहाँ आएगा इस कर्व पे, कौन से कर्व पे, वाई इज़ इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स पे, यानी कि वाई की जगह हमें क्या रखना है जीरो टू वन में वाई की जगह हमें रखना है एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, ध्यान दें एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स कितना आया था एक्स स्क्वायर, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट जीरो था, तो ध्यान से करो ये वाले रीजन में आपका एक्स हमेशा कैसा है पॉजिटिव है, ठीक है ना भाई, जीरो से लेके वन तक या तो एक्स का वैल्यू जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, तो आपकी डेफिनेशन कौन सी चलेगी, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय थ्री, ओके, और लिमिट है आपकी जीरो टू वन, इसमें जहां जहां एक्स आ रहा वन रखो, वन का क्यूब वन, वन बाय थ्री, और एक्स किया जीरो तो वन बाय थ्री माइनस जीरो वन बाय थ्री हो गया, ठीक। अब आप एरिया निकालिए ओ ए बी का, चलिए तो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी यहाँ पे निकाल देते हैं, इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए और इस वर्टिकल स्ट्रिप का नाम आर एस रखा, ठीक है। अब ध्यान चेक करो ये जो भी एरिया ले रहे हो आप मॉड में लोगे, बिकॉज एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ओ ओ ए बी ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, जब एक्स एक्सिस के बिलो यानी कि नीचे आता है एरिया, तो हमारा एरिया कैसा होता है, हमारा एरिया नेगेटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम मॉड पहले ही ले लेते हैं। तो ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट जब रन करेगी तो माइनस वन से जीरो पे, ध्यान चेक करो पॉइंट एस कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बी से ओ पे, या फिर आर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ए से ओ पे, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन और ओ का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, तो माइनस वन टू जीरो वाई डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान दें वाई की वैल्यू क्या रखोगे, अब वाई की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर रखोगे, क्यों, क्योंकि बिटवीन द लिमिट जीरो टू माइनस वन या माइनस वन टू जीरो एक्स हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक्स इज इक्वल टू जीरो तो पहले ऊपर वाले डेफिनेशन में कवर हो गया है, ठीक है। अब जो भी एक्स का वैल्यू है वो जीरो से लेस होगा, एक्स का वैल्यू जीरो से लेस होगा, कहाँ तक होगा, माइनस वन तक, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन की जो डेफिनेशन है वाई की जगह क्या रखेंगे, एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, पहले तो हमने क्या रखा माइनस वन टू जीरो, वाई की जगह एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स रखा, और क्योंकि एक्स इज लेस देन जीरो है तो मॉड ऑफ एक्स क्या होगा माइनस एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मॉड ऑफ माइनस वन टू जीरो और यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बस कुछ नहीं करना है, तो इसको मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। आपका एरिया जो भी नेगेटिव आएगा तो मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना। चलो देखो माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस आप बाहर ले लीजिए, तो माइनस वन टू जीरो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये मॉड नौ, ये माइनस बाहर वाला ऐसे ही लगा रहने दीजिए मॉड के अंदर। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स क्यूब बाय थ्री, और लिमिट लगेगी आपकी कहाँ से कहाँ, माइनस वन टू जीरो, तो माइनस वन टू जीरो नौ। सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है जीरो रखो, जीरो क्यूब वन थ्री कितना आ जाएगा जीरो, तो मॉड और यहाँ माइनस, यहाँ आ गया जीरो, फिर माइनस। अब ध्यान दें एक्स की माइनस वन रखो तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही होता है, माइनस वन अपॉन थ्री आ जाएगा, तो यहाँ आ गया माइनस वन बाय थ्री, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब करना कुछ नहीं है, सॉल्व करना है, तो मॉड ऑफ ये माइनस देखिए ऐसे ही है, ठीक। अब देखो जीरो का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जीरो माइनस समथिंग तो उतना ही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ गया यहाँ वन बाय थ्री, पॉजिटिव का वन बाय थ्री आया, लेकिन ये वाला जो माइनस लगा था उसकी वजह से हमने माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, और ये वाले माइनस से माइनस, ठीक। अब मॉड ऑफ माइनस वन बाय थ्री क्या जाएगा, वन बाय थ्री स्क्वायर यूनिट्स। मैंने आपको बोला था जितना एरिया इस रीजन का आएगा उतना ही यहाँ का आएगा, यहाँ का वन अपॉन थ्री था तो यहाँ का भी वन अपॉन थ्री, अब वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री कितना होता है टू बाय थ्री, है ना, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, टोटल एरिया टू बाय थ्री। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते आते जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।